तो अगर कोई अपने व्यक्ति 70 साल की उम्र पूरी कर लेता है, मतलब वो इसने 30 साल की उम्र में इंश्योरेंस लिया, 40 साल अपडेट कर लिया और 70 साल का हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, भगवान की कृपा रही, असीम कृपा रही, तो फिर आपको 1.5 करोड़ छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, 0 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी जितने भी सुपुत्र हैं, पुत्रियां हैं, आपकी वधु है, वो इस बात से शायद खुश ना हो, लेकिन आपको इस बात की खुशी होगी कि आप उनके साथ हैं, लेकिन पैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने जितनी प्रीमियम पे कर दी है वो सब हो जाएगी 0, ठीक है, सब 0 हो जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने कंपनी को पैसा दिया था रिस्क कवर करने को, उन्होंने आपकी रिस्क कवर करी। अब उस अवधि तक, उस टर्म तक अगर आपको कुछ संकट नहीं आया, कुछ नहीं हुई, आपकी लाइफ चलती रही, तो उसका आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये टर्म इंश्योरेंस होता है। इसके अपोजिट होता है ट्रेडिशनल इंश्योरेंस। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस क्या होता है कि आप रहे या ना रहे, मतलब LIC की एक टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो अगर किसी इंसान ने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया और अगर मान लीजिए 10 लाख का इंश्योरेंस कराया है 15 साल के लिए और उसकी उम्र 30 साल है और 15 साल तक वो जी जाता है, 45 साल का हो जाता है, तो 45वें साल पे टर्म पूरी होगी, पॉलिसी मैच्योर होगी और मैच्योरिटी पे भी पैसा मिलेगा। मतलब इट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। तो आपने अपनी रिस्क कवर भी करी और पैसा इन्वेस्ट भी किया और उस पर आपको रिटर्न भी मिल रहा है। तो ये ट्रेडिशनल प्लान है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इंश्योरेंस देते वक्त टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या ट्रेडिशनल प्लान लेना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करें, मतलब टर्म इंश्योरेंस तो रखे रखें, चाहे वो आप 20 लाख का रखें, 25 लाख का रखें। और टर्म इंश्योरेंस तभी मिल पाएगा जब आपका इनकम टैक्स का रिटर्न होगा। इनकम टैक्स के रिटर्न में जो आपने रिटर्न में इनकम दिखाई है उसका मैक्सिमम 20 टाइम्स आपको टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर कोई इनकम 5 लाख के दिखाता है तो उसको 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर कोई 3 लाख के इनकम दिखा रहा है तो उसको 50 या 60 लाख का ही इंश्योरेंस मिलेगा। तो आपने टर्म ले ली। अब एडिशनल अगर आपके पास पैसा है तो आप ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं।